नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 1 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की भी बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, मुख्यमंत्री योगी ने वृहद ऋण मेला जो है वो शुरू किया है और कहा है कि पिछली सरकारों में जो है इच्छा शक्ति नहीं थी और हर परिवार में देंगे नौकरी, ऐसा इनके द्वारा जो है वो यहाँ पर बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया है। सभी 75 जो जिले हैं उनमें लोन मेले के तहत 90,000 से ज्यादा हस्त जो शिल्प हैं, कारीगर हैं, उद्यमी जो है उनको इससे लाभ मिलेगा। 5 जिलों में जो है वो केंद्र भी जो है वो खोले जाएंगे। तो लखनऊ में गुरुवार को आयोजित हुआ था ये मेला और इसमें लाभार्थी को चेक सौंपते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पर जो है वो बताया गया है। और यहाँ पर यह भी कहा है राज्य सरकार परिवार कार्ड धारक का परिवार कार्ड जारी करने जा रही है और उन्होंने ये कहा है कि शीघ्र ही ऐसे परिवारों की मैपिंग कराने जा रहा है जिनके किसी सदस्य ने कभी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की है और प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। बात करते हैं अगली अपडेट की, इसमें भी वही बताया गया है कि हर परिवार के एक सदस्य को देंगे नौकरी या स्वरोजगार। योगी 1.90 लाख कारीगर और उद्यमी जो है उनको 16,000 करोड़ का मिला ऋण, वही सारी चीजें देखेंगे आप यहाँ पर भी जो है वो बताई गई है। अगली अपडेट आपकी एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं उनके परिणाम जो है वो घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत श्रम चिकित्सा सेवाओं में एलोपैथिक जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनके 256 पदों का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया है। तो इन पदों के लिए 2,970 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। अगली अपडेट है आपकी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित कई का जो है वो तबादला, प्रयागराज से न्यूज है। 12 कर्मचारियों का नहीं घट रहा है रुतबा, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है यूपी कैडेट के संदर्भ में कौस्तुभ और अनन्या जो है वो सीट्स पर रही हैं, लखनऊ से न्यूज है। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि और प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा यूपी कैडेट का परिणाम गुरुवार को जारी किया गया है। अगली अपडेट है स्नातक परीक्षा में आदित्य परा स्नातक में अर्पिता प्रथम, यहाँ पर भी यूपी कैडेट की परीक्षा की बात ही की गई है। अगली अपडेट है भ्रष्ट आईएएस की जांच अब रिटायर सिविल सेवक जो है वो करेंगे। केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी ने लागू की है व्यवस्था, जांच के लिए अफसरों का पैनल जो है वो बनाया जाएगा। केंद्र की तर्ज पर अब यूपी में भी जो भ्रष्ट आईएएस के खिलाफ विभागीय जांच सेवानिवृत्त आईएएस अफसर जो है वो करेंगे, इसके लिए अफसरों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। अगली अपडेट है आपकी, फार्मेसी डिप्लोमा परीक्षा सुनिश्चित कराए बोर्ड, प्रयागराज से न्यूज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड और डीएम जौनपुर को राम लखन सिंह शिक्षण संस्थान बदलापुर में शांतिपूर्ण तरीके से फार्मेसी डिप्लोमा परीक्षा सुनिश्चित कराने का निर्देश जो है वो दिया है। कोर्ट ने स्थानीय विधायक रमेश चंद्र मिश्र की शिकायत पर बिना नोटिस किए याचिका परीक्षा केंद्र निरस्त करने के सचिव के आदेश पर भी रोक जो है वो लगा दी है। अगली अपडेट है आपकी कि पीजी समेत जो अन्य कोर्स हैं उनमें दाखिले को अब 5 तक करिए आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबद्ध जो कॉलेज है उनमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है, विद्यार्थियों की मांग पर जो है निर्णय लिया गया है। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती जल्द देखने को जो है वो मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालय जो है उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी होगा, उसी की बात यहाँ पर की गई है। टोटल 37 विषय हैं, इसमें 917 कुल पद हैं। अगली अपडेट है रेलवे ने सेवानिवृत्त हुए 71 कर्मचारियों का जो है सम्मान किया, प्रयागराज से न्यूज है। अगली अपडेट है आपकी, कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर जो है वो रहा है। करंट अफेयर के लिहाज से आपको ये याद रखना है, यूपी सफल राज्यों में जो है वो शामिल है, जिसमें अलग अलग राज्यों की यहाँ श्रेणी भी दे रखी है जिन्हें रैंकिंग में लक्ष्य हासिल करने का जो है लेकर सफल राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये शीर्ष स्थान जरूर ध्यान रखिएगा, कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश जो है वो आया है। अगली अपडेट है माध्यमिक शिक्षा विभाग में हुए बम्पर तबादले, आगरा से न्यूज है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में गुरुवार को दोपहर के समय बाबुओं में हलचल तेज हो गई, शासन के स्तर से तबादला सूची जारी की गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के लगभग सभी बाबुओं का तबादला हो गया, वो यहाँ पर बताया गया। इधर साइड में आप देखेंगे लिस्ट भी दे रखी है। अगली अपडेट है आपकी, नीरज ने 15 दिन में दूसरी बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा नाम सभी जानते हैं, इन्होंने गुरुवार देर रात डायमंड लीग में शानदार थ्रो से 15 दिन में दूसरी बार रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्टॉकहोम में नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर दूर भाला जो है वो फेंका है। हालांकि उन्हें रजत पदक से संतोष जो है वो करना पड़ा है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। भारत ये भी साइड में लिखा हुआ है, भारतीय जो दल है उसकी अगुवाई करेंगे
ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा अमेरिका के यूजीन में 15 से 24 जुलाई तक होने वाला विश्व चैंपियनशिप है, उसमें भारत के 22 सदस्यीय दल की अगुवाई जो है वो करेंगे। नीरज के अलावा भाला फेंक में रोहित यादव भी हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली करंट अफेयर है, सुरेंद्र ने कबड्डी के लिए कुश्ती को कहा अलविदा। भारतीय कबड्डी खिलाड़ी सुरेंद्र नाडा आज के दिन ही जो है वो जन्म लिया था। अच्छा, ये आप देखेंगे तो सेक्शन जन्म दिवस वाला होता है, और उन्होंने क्या जो उपलब्धि है वो हासिल की वो यहाँ पर जो है वो बताई जाती है। अगली करंट अफेयर आपकी हॉकी विश्व कप में 48 साल का सूखा खत्म करने उतरेगा भारत। स्पेन में शुक्रवार से महिला हॉकी विश्व कप का आगाज होगा। सविता पुनिया की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी, और विश्व कप में 48 साल से आज तक जीती नहीं है, तो 48 साल का सूखा खत्म करना चाहेगी। बाकी चाहने से क्या होता है वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर यह भी लिखा है 16 टीमों में बांटा गया है, 4 पूल में, 17 दिन में खेले जाएंगे 44 मैच, 6 स्थान पर रैंकिंग में है भारत, ये उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बाकी ये सारी चीजें बताई गई हैं। अगली करंट अफेयर है आपकी, प्रणय ने विश्व नंबर 4 को जो है वो हराया। मलेशिया ओपन जो है उसमें गुरुवार को गैर वरीय प्रणय जो है उन्होंने बड़ा उलटफेंट करते हुए दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी चीनी ताइपे के चाउ टेन चेन को हरा दिया है, वह यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट आपकी सेकंड लास्ट इस वीडियो की, सिंगल यूज प्लास्टिक आज से बैन हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, पॉलीथाइन के खिलाफ छेड़ा गया अभियान, आज से आपको सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई से बैन देखते हुए देखने को मिलेगी। ऐसी प्लास्टिक जो सिंगल बार यूज होता है, जैसे कि आप स्ट्रॉ यूज करते हैं, जो आप गन्ने का जूस पीते हैं या तो फिर कोई ड्रिंक पीते हैं, तो वो आपकी सिंगल यूज होती है कि आप उसे एक बार यूज करके फेंक देते हैं, तो ऐसी प्लास्टिक पर आज से बैन पूरी तरीके से लगा दिया गया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। कि उलट फेर सिंधे के डिप्टी बने फडणवीस, पर अब वर्तमान में कौन बन गए, तो एकनाथ बन गए। आपको याद होगा तो टेलीग्राम पर मैंने अपडेट आपको दी थी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने से शिवसेना के भीतर तक बढ़ा, सारी चीजें बताई गई। एकनाथ शिंदे बन गए हैं और देवेंद्र फडणवीस जो है ये आपके उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए गए हैं, जो कि पहले आपके यहाँ के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। यहाँ देखिए लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जो है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।